हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बची हुई इडली की रेसिपी बनाना बता रही हूँ। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। मैंने बची हुई इडलियाँ ली, सुबह मॉर्निंग में बनाई थी, मेरी बच गई थी इडलियाँ। आज इसका मैं आपको बढ़िया नाश्ता बनाना बता रही हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और एकदम स्पंजी हमारी इडली बनी थी। इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। एक इडली के हम 6 पीस काटेंगे। ये देखिए, इसका वीडियो मेरा डला हुआ है कि आप स्पंजी इडली, जाली वाली इडली किस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से इसे मैं सारी काट के तैयार कर लूँगी। सारी इडली मेरी कट कर तैयार हो गई है। मैंने गैस पे कढ़ाई गरम करने के लिए रखी। इसके अंदर नाश्ते के चम्मच में 1.5 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल गरम हो चुका है, इसमें आधा छोटा चम्मच ही मैं राई डाल रही हूँ। राई मेरी हल्की सी चटकने लगी। इसी के अंदर 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाल रही हूँ मैं। गैस को मैं बिल्कुल कम कर रही हूँ। इसी के अंदर थोड़ी सी करी पत्ता, इसे मैंने हल्का सा चला दिया है। बाकी मसाला हमें इसमें कुछ नहीं डालना है। जो हमने इडली को कट करके रखा था, इडली को मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। गैस को मैं थोड़ा सा तेज कर रही हूँ। तेज गैस में इसे आप थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। इसे हम इस तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक करेंगे। इसी के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ। एक चुटकी मैंने नमक डाला है, क्योंकि इडली बनाते समय भी मैं इडली के अंदर नमक डालती हूँ। बस इसे हम 1 मिनट अच्छे से मिक्स कर देंगे। मुझे इसे करते हुए 2 मिनट का समय हो चुका है। गैस को मैं बंद कर रही हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इडली को मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर दूंगी। इस टाइप से मैंने प्लेट में फैला के डाल दिए। इस तरह से प्लेट में मैंने पूरा फैला दिया है। इसी के ऊपर मैं कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ, बारीक कटे हुए प्याज। सारी चीजें आप बारीक बारीक ही कट कीजिए। इसी के ऊपर मैं दही डाल रही हूँ। दही मेरा घर का फ्रेश जमा हुआ है। इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है, सादा दही है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसी के ऊपर मैं अमचूर की खट्टी मीठी चटनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इमली की भी चटनी डाल सकते हैं। इसी के ऊपर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डाल रही हूँ। इससे कलर काफी बढ़िया आता है, तीखी कम रहती है। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैं काला नमक डाल रही हूँ, क्योंकि इडली को फ्राई करते समय उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला था। थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर क्रीम चटनी जो चाट की आती उसे भी डाल सकते हैं। कितनी बढ़िया हमारी झटपट ये चाट बनके तैयार है, जो काफी टेस्टी लगती है। इडली सांभर के साथ तो आपने कई बार खाई होगी। इसके अलावा मेरी कई सारी रेसिपी डली हुई है। बची हुई इडली को फ्राई करके किस तरह से खाता है वो वीडियो डला हुआ है मेरा। इसके अलावा मैंने सैंडविच भी बनाया बची हुई इडली से। इसे मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया दिख रही है। ये देखिए, आप चाहे तो इसे ये कलर वाला करना चाहते हैं इडली को, तो फ्राई करते समय इसमें थोड़ी सी आप हल्दी भी डाल सकते हैं। ऐसे ही दिखने में काफी बढ़िया और सुंदर लग रही है। खाने में भी उतनी ही टेस्टी और हेल्दी इसमें आपको सब्जियां भी मिल जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।